कहते हैं कलहारी कल कल करे, दुहारी छू होए, अपनी अपनी बाण से कभी न चूके कोई। मौके का फायदा उठाना लगभग जियोपॉलिटिक्स में अधिकांश देशों को आता है, बस कुछ मित्र देशों को छोड़कर। जिनपिंग का खत भारत आया जिसके बाद मची है खलबली। आखिर इस खत में ऐसा क्या लिख दिया है जिनपिंग ने? देखो आप, जैसे तरह का हालात अमेरिका में पैदा हुआ था, उसके बाद अमेरिका के लोग चीनी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कई तरह के अभियान अमेरिका में चल रहे हैं, जिसकी वजह से चीनी लोगों को देखते हुए, जो कि अब निवासी बन चुके हैं अमेरिका के, उनको भी बड़े ही हेय दृष्टि से अमेरिकन देख रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका में जो इस तरह का भूचाल आया, इस तरह की महामारी की लहर आई, लाखों लोगों की जान गई, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन है। मतलब कि अमेरिकन के दिमाग में चीनी लोगों के प्रति एक नफरत सी भर गई है। अब भारत की बात करें, भारत में भी दूसरे फेज की महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये इतना भयानक रूप ले रही है कि भारत में भी चीन के प्रति लोगों के मन में गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। पहले यह गुस्सा कम था, बाद में यह गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते हुए और भी ज्यादा हो गया है। इसका प्रमाण देखिए, ट्विटर के अल्टरनेटिव के रूप में एक एप्लीकेशन आई थी कू। कू को सरकार ने भी प्रमोट करा, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें इनिशियल चीनी लोगों का इन्वेस्टमेंट है, किसी चीनी कंपनी ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, जिसके बाद कू को खास तौर पर यह कहा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट लौटाओ, तभी हम इस एप्लीकेशन को प्रमोट करेंगे। कू ने ऐसा ही किया, जिसके बाद इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया जाने लगा। अब चीन ये सोचता है कि भारत इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का हब है, यहाँ अगर निवेश करता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी। जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज्यादा है तो खपत ज्यादा है, खपत ज्यादा है तो मांग ज्यादा है, और ऐसे में चीन अपने डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सामान को बड़े आराम से बेचकर ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकता है, जो आज तक वो कमाता आया है। तो ऐसे बाजार को चीन खोना नहीं चाहता है। पर जैसे ही महामारी शुरू हुई, चीन ने तो ऑफर दिया कि हम भारत की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो कार्गो आने वाली थी उसको रोक दिया। अब देखो, अब चीन क्या करता है, भारत से ये कहता है कि चलो हम बात करते हैं और हम आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और बात करने के नाम पर वो क्या कहता है, आपको वैक्सीन की जरूरत है, ऐसा करो मेरे से वैक्सीन खरीद लो। भारत इस वैक्सीन को खरीदना नहीं चाहता है, उसकी बड़ी वजह है। बड़ी वजह पहली ये है कि एक तो चीनी वैक्सीनों पर कोई भरोसा नहीं है, जिस तरह के उसके रिस्पॉन्स पूरी दुनिया से आए हैं वो कुछ अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं, एक। और दूसरा है, अगर चीन के वैक्सीन को भारत खरीद ले तो क्या होगा, भारत के जो पड़ोसी हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, यहाँ चीनी वैक्सीन पूरी मात्रा में भर दी जाएगी। यहाँ पर चीनी वैक्सीन भरने का मतलब ये हो गया कि यहाँ की कूटनीति चीन जीत जाएगा, जो भारत के लिए बाद में बहुत ही बड़ा संकट बनेगा। देखो, जिस तरह के हालात इस वक्त भारत में है, इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया जाए, कोई इस तरह की क्रांतिकारी फैसला न लिया जाए, तब तक इस हालात पे काबू पाना मुश्किल जरूर है। पर चीनी राष्ट्रपति ने भारत को खत क्यों लिखी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जिनपिंग ने अपना ये खत लिखा, और इस खत की खासियत देखिए, ये कोई ऐसे नहीं कि साधारण सा ऑफिस की तरफ से खत आ गया हो। उन्होंने अपने इस संदेश में ये कहा कि न सिर्फ चीन और न सिर्फ चीन की सरकार, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर मैं, यानी कि जिनपिंग, भारत के हालात को देखकर दुखी हूं और हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। देखो, इसी तरह की बृहस्पतिवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बैठक ली थी, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान ये शामिल हुए थे, लेकिन भूटान और भारत शामिल नहीं हुए थे इस मीटिंग में। इस मीटिंग में भी यही बात चल रही थी कि कैसे चीन की वैक्सीन को इन देशों में पहुंचाया जाए। राष्ट्रपति सी और विदेश मंत्री वांग दोनों का संदेश आया है, और वो भी ऐसे समय में आया है, लद्दाख के बाकी बचे तनाव वाले इलाके से वापसी नहीं हुई है चीनी सैनिकों की। दोनों देशों की सेना फरवरी में पेंगोंग झील के इलाके से तो पीछे हट गई थी, इन इलाकों से अभी भी पीछे नहीं हटी हुई है। शी जिनपिंग इस वक्त ऐसा कोई माहौल खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं, जिससे चीनी लोगों के प्रति या चीनी इन्वेस्टमेंट के प्रति भारत का गुस्सा और भारतीयों का गुस्सा इस तरह का हो जाए कि वो कभी भारत में निवेश कर ही ना पाए। यही वजह है कि चीन बढ़ चढ़ कर बोल जरूर रहा है, खत जरूर लिख रहा है, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत के साथ हैं और भारत की मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, जैसे ही भारत वैक्सीन के लिए ना करता है, चीन का कहना होता है, चलो
चलो फिर से बात करते हैं। अब देखो चीनी राष्ट्रपति उस महामारी के लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं जो खुद चीन की वजह से पूरी दुनिया झेल रही है। मतलब कि कम कर्म किया हमने और भुगतो तुम। वैसे आपको बता दें भारत को इस परिस्थिति से निकालने के लिए दुनिया के कई देश लग चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादन करने वाला देश है। अगर भारत में हालात तेजी से काबू में नहीं आते हैं तो पूरी दुनिया को वैक्सीन मिलने का जो चैनल है वो बर्बाद हो जाएगा। यानी भारत के बर्बाद होने का मतलब है बाकी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका भी अपने वैक्सीनों की टेक्नोलॉजी अब भारत को देने की सोच रहा है ताकि भारत में खुद उत्पादन बढ़ सके। इसके अलावे रूस ने भी स्पुतनिक 5 की टेक्नोलॉजी भारत को दे दी है। आपको बता दें अमेरिकी वैक्सीनों में है फाइजर, मोडेना, जॉनसन एंड जॉनसन, जिन्होंने ये कहा है कि हम इस बारे में सोच रहे हैं क्योंकि भारत को इस चीज से निकालना जल्दी बेहद जरूरी है। ऐसे में हमें कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें पूरी दुनिया भर से मदद भारत को मिल रही है। रूस की तरफ से जहां बृहस्पतिवार को एक खेप पहुंच चुकी है मदद, तो वहीं दूसरी खेप भी रवाना हो चुकी है और अमेरिका की तरफ से भी 2 डेडिकेटेड तौर पर वायुसेना के एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं ताकि भारत की लगातार मदद कर सके। वहीं DRDO ने भी 75 ऑक्सीजन के सिलेंडर जो कि 10,000 लीटर कैपेसिटी वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट को पहुंचा दिया है और उसके साथ साथ 40 ITBP कोविड सेंटर तक पहुंचा दिए गए हैं। अब देखो चीन पर भरोसा कैसे करोगे आप? भारत को कोरोना में घिरा देखकर चीन ने तिब्बत में गुपचुप तरीके से अपने सैन्य कमांडर को बदल दिया है। नए कमांडर की नियुक्ति की गई है जिनका नाम है जनरल वांग काई और इससे पहले ये चीनी सेना के सबसे खूंखार मानी जाने वाली एलियट 13वीं ग्रुप आर्मी के कमांडर थे। इस एलियट फोर्स को टाइगर्स इन द माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाई करने में पारंगत है, जिसके बाद से ये अंदेशा जताया जाने लगा है कि चीन कहीं फिर से भारत के साथ धोखा करने का प्लान तो नहीं बना रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार चीन ने लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई की नियुक्ति को काफी गुपचुप तरीके से अंजाम किया है। इस बात का खुलासा सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास शिक्षा वर्ग में हुआ। इस दौरान जब वहां पे सैन्य क्षेत्र में नए कमांडर के रूप में एक नए शख्स को देखा गया तब इस बात को दुनिया जान सकी। वैसे जिनको बनाया गया है वो कहते हैं गुप्त अभियानों को अंजाम देने में काफी माहिर है और आज से 8 साल पहले 2013 में चीन की एलीट 13वीं ग्रुप आर्मी का कमांडर थे। अब ये कहा जाता है खास करके इनकी तैनाती इसलिए की जाती है जहां कठिन परिस्थितियां हो, जंगल हो, घाटी हो या पहाड़ी हो। अब आप सोचिए कि अगर चीन सचमुच भारत की मदद करना चाहता है तो उसने ऐसा क्यों किया और सीमा पर तिब्बत में इस तरह के बदलाव लाने का क्या मतलब है? क्या फिर से कोई नई चाल चल रहा है चीन? वैसे आपको क्या लगता है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।